हेलो एंड आज जो हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर स्टील सेक्टर के अंदर पूरी तरीके से मेल्टडाउन देखने को मिला, चाहे वो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील या जिंदल स्टील ही क्यों ना हो, सारे सेक्टर का पूरे स्टॉक्स मेल्टडाउन देखने को ते हुए मिले हैं। और हालांकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं टाटा स्टील, जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आज 12-12, 13-13, 15% तक की करेक्शन देखने को मिली है। इवन बहुत सारे स्टील स्मॉल कैप में तो लोअर सर्किट भी लगता हुआ हमें देखने को मिला है, 20-20% तक का लोअर सर्किट लगा है। क्यों, ये सारी वीडियो में इस बार वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये चीज जरूर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए, या क्या चीज एनालिस्ट कह रहे हैं। एनालिस्ट के हिसाब से अभी फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी वो एक अच्छी बात होगी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ जो चीजें क्लियर करनी है या गवर्नमेंट के साथ जो भी बातचीत करके स्टील इंडस्ट्री इस चीज को अगर सॉर्ट आउट करती है तो वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अंदर ये मार्जिन को इफेक्ट करने वाले हैं और आपको ग्रॉस रेवेन्यू जो आने वाला है वो भी बहुत कम आएगा इसकी वजह से, क्योंकि एक फेवरेबल सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और जहां तक आपको यहाँ पे बता दूं कि जितने भी स्टॉक्स है स्टील के अंदर, चाहे वो जिंदल हो, चाहे वो आपका जेएसडब्ल्यू हो, चाहे टाटा स्टील ही क्यों ना हो, वहां पे सेल जो गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया की, खुद की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी यहाँ पे आज 11% तक का यहाँ पे डाउन सर्किट फेस किया है। अब यहाँ पे अभी बात करूँ तो जो इनके कंपैरिजन में जो डायरेक्ट डील नहीं करते लेकिन वहां पे भी जो अलॉय का डीलिंग होती है वहां पे से भी हमें गिरावट देखने को मिली, जैसे एनएमडीसी में, नेल्को में, उसके बाद वेदांता में, सब में गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल पूरा मार्केट जो स्टील स्टील की रिलेटेड जितना मार्केट था वो सारा का सारा डाउन था, और जिसकी वजह से स्टॉक बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हुए और बहुत तगड़ी तरीके से मूवमेंट आपको देखने को मिली। सारे फंड हाउसेस के साथ जो भी है वो उन्होंने रिड्यूस की कॉल दे दी है। यहाँ पे आप देखिएगा जो भी ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया टाटा, जेएसडब्ल्यू और जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, इन सबको रिड्यूस करने का सलाह दिया है, यानी आपको अपने पोर्टफोलियो में से इनको निकालना होगा। और ये शायद अभी भी जायज है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाटा स्टील की, तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा सेक्टर ही दिखाता हूँ, आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12% तक आसपास अभी भी डाउन है, 3:50 पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, 12% के आसपास डाउन है कंपनी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये जो लेवल्स हैं पास, जितने भी बॉटम बने हैं वो सबको तोड़ते हुए कंपनी नीचे आ चुकी है। अब ये जो लेवल्स यहाँ पे निकल के आएंगे वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकते हैं बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने कभी भी इस स्टॉक को लिया है ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा ये जो इसका लास्ट सपोर्ट था ये भी यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आया, और यहाँ से ये स्टॉक आपको 850, 800, 900 रुपए के आसपास आता हुआ नजर आएगा। ये एनालिस्ट की राय है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं जो एनालिस्ट ने यहाँ पे बात की है कि आप इसे रिड्यूस कीजिए और या तो इसे सेल कीजिए, सेल कर दीजिए या तो रिड्यूस कर दीजिए अपने पोर्टफोलियो में से। और ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज की जो भी सिचुएशन है वो यही कह रही है कि जो ओवरऑल यहाँ पे जो भी चीज होने वाली है इससे एक्सपोर्ट के अंदर भी फर्क पड़ने वाला, जिसकी वजह से जो चीजें होगी वो यहाँ पे रिजल्ट में दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो एनालिस्ट ने क्या कहा है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो 15 से 20% तक की ओवरऑल सेल्स के अंदर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, एक्सपोर्ट अमाउंट जो भी है वो 15 से 20% का या तो रिड्यूस करना पड़ेगा कंपनी को, या तो रिड्यूस नहीं कर सकते तो उन्हें आपको जो ड्यूटीज है, जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज आयरन ओर पे कंपनी ने बढ़ाया है, गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, वो 50% तक बढ़ाया है, जिसकी वजह से जो भी पूरा स्टील इंडस्ट्री है वो एकदम से यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है आज के दिन मार्केट के अंदर। अगर बाकी और स्टॉक्स के अंदर सिचुएशन जानने की कोशिश करें तो जो भी है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि यहाँ से सेकंड लार्जेस्ट आता है, वो आज 13% के आसपास डाउन था, और यहाँ पे इसने भी अपने जितने भी लो हैं वो सब लो यहाँ पे ब्रेक करते हुए नजर आई है, और यहाँ पे ये भी एक नए फ्रेश लो की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बाद अगर मैं बात करूँ तो 445 का एकदम लो है, यहाँ तक स्टॉक आ सकता है नो डाउट। अगर आपको यहाँ पे कुछ सिचुएशन में कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से चाहे स्टील इंडस्ट्री की तरफ से, तो यहाँ पे और भी ज्यादा मेल्टडाउन होता रहेगा। बात करें जो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खुद की गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, वो भी 10% तक की आज करेक्शन में मौजूद है, और जिसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, 2 का पी हो चुका है अभी, यहाँ से अगर करेक्शन और रही तो ये पी यहाँ से शायद 1 का भी जा सकता है, और एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको बहुत अजीब लग रही होगी कि सारा स्टील सेक्टर मेल्टडाउन हो रहा है, उसके बाद भी मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ स्टील अथॉरिटी है वो फिलहाल अपने बहुत ज्यादा बॉटम की साइड बनती हुई नजर आ रही है, और जो
इसका बॉटम है वो 60 रुपीज के आसपास है, यानी अगर ये 60 तक आती है तो इसका पी आप एक का पी एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। और एक के पी पे अगर कोई भी कंपनी है, चाहे वो गवर्नमेंट भी हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी और जो मोमेंटम आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, वो बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन ये सिर्फ अपने वॉचलिस्ट में रखिए, मेरी सजेशन थी, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। अगर हम बात करूँ जो लार्जेस्ट कंपनियों में से जो लार्जेस्ट ग्रुप है, ओल्डेस्ट ग्रुप, वो है जिंदल, और जिंदल हिसार स्टील जो प्लांट है उनका, उसमें आज 15% की तक की गिरावट थी और यहाँ पे भी एक नया लो बनता हुआ नजर आया। सभी स्टील सेक्टर में, सभी कंपनियों में एक नया लो आपको आज के दिन बनता हुआ नजर आएगा या तो कल के दिन बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ से बात करें जिंदल जिंदल स्टील स्टेनलेस स्टील की, तो यहाँ पे भी हमें आज के दिन 18% तक का करेक्शन देखने को मिला है। ये शायद 20% के आसपास करेक्ट हुई थी कंपनी, वहाँ से वापस रिकवरी की गई है, वापस यहाँ पे 18% के आसपास है। इसने भी अपना फ्रेश लो क्रिएट कर दिया है और यहाँ से देखना होगा, इसके बहुत सारे सपोर्ट है लेकिन हाँ यहाँ से देखना होगा ये स्टॉक कहाँ तक जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि आज जितना भी मार्केट क्रैश हुआ, जितने भी मार्केट में स्टॉक थे उन सबकी अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे गिनना होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों के पांचों टॉप 5 के जो कंपनियां थी वो सबकी स्टील और स्टील स्टील आयन की वजह से डील करती वाली कंपनियां थी, जिसने बहुत बड़ी कलेक्शन दी 17-13%, कोई आम बात नहीं है टाटा स्टील या जिंदल स्टील जैसी बड़े स्टॉक्स के अंदर। तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें लाजमी थी। और यहाँ पे पूरी तरीके से जो एक्सपोर्ट और जो हाइक हुए हैं, प्राइस हाइक हुए हैं या जो भी ड्यूटीज हाइक हुए हैं, वहाँ पे एक अच्छी सेंटिमेंट नहीं है, जिसकी वजह से या तो आपको प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा या तो अपनी जो एक्सपोर्ट है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, और दोनों ही सिचुएशन में कंपनियों को घाटा होगा और कंपनियों का ये रेवेन्यू पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। रेवेन्यू इफेक्ट हुआ तो सेल्स पे आपको इफेक्ट आता हुआ नजर आएगा, या तो अगर सेल्स पे इफेक्ट नहीं देना है तो आपको मार्जिन कम करने होंगे। और स्टील इंडस्ट्री में आपको पहले ही पता है, स्टील इंडस्ट्री के अंदर कुछ ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव मार्जिन नजर नहीं आते हैं। जो 22-22-15-20% के मार्जिन से वो भी अगर जाते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पे और जो ओपीएम है बहुत ही ज्यादा बेकार होता हुआ नजर आएगा इस क्वार्टर या अगले क्वार्टर जो भी यहाँ पे कंपनी देने वाली है। तो इस चीज की आज की न्यूज की वजह से जो स्टील सेक्टर पूरा मेल्ट डाउन हुआ, इस पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में लिखिएगा। आपके पास कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि आप चाहेंगे कि इसके अंदर और भी करेक्शन हो और ऐड कर सके? अभी तो फिलहाल स्टील अथॉरिटी मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन ये आपकी रिसर्च होनी चाहिए। आपको इस अपॉर्चुनिटी का क्या फायदा उठा सकते हैं ये जरूर ध्यान में रख के इन स्टॉक्स को वॉचलिस्ट में रखिएगा और अपने कुछ पोर्टफोलियो में इन लोगों को, इन स्टॉक्स को जगह देने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।